Assalamu alaikum. Welcome to my channel Math Plus English with Itra. Today we start from maths. और maths में हमारे पास सबसे पहले आता है numbers. Numbers हमारे पास होते थे. Number हमारे पास ऐसी चीज होती है जिससे हम किसी भी चीज को count कर सकते हैं, measure कर सकते हैं और label कर सकते हैं. जैसे अगर आप हम stair लेते हैं, ऐसे हम length और breadth बताने चाहें तो हमारे पास number नहीं होते जिसकी वजह से हम वो बता पाएंगे. जैसे तो हमारे पास length 2 है और breadth 2 है, तो area हमारे पास आता है 2 × 2 = 4. इसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर, हमारे पास मेन 5 टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं: नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक्सेप्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन. तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसमें 0 ऐड नहीं होता और नेगेटिव नंबर्स भी ऐड नहीं होते. होल नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स ही होते हैं पर इसमें 0 भी शामिल होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी नेगेटिव नंबर इंक्लूड्स नहीं होते. इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स हमारे पास होल नंबर्स होते हैं यानी 0, 1, 2, 3, 4 और अप टू सो ऑन, प्लस नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -1, -2, -3, -4, ये सारे इसमें शामिल होते हैं. रैशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म्स में आते हैं, जैसे 3/4, 7/4, 4/2, ये सारे हमारे पास रैशनल नंबर्स आते हैं. पर हमारे पास ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम डिनोमिनेटर में यानी नीचे वाले हिस्से में फ्रैक्शन की 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि 0 डालने से हमारे पास वो इन्फिनिटी आ जाता है और इन्फिनिटी हमारे पास सही जवाब नहीं होता. नोमिनेटर में हम 0 डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आते, जैसे कि 5, ये हमारे पास 3.14 इसकी वैल्यू होती है. और अंडर रूट एनी नंबर विच इज़ नॉट परफेक्ट, जैसे √3, √5, √10, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर्स नहीं होते, इसलिए हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं. और इरेशनल नंबर हमारे पास अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स हमारे पास P/Q फॉर्म में आता है यानी फ्रैक्शन फॉर्म में आता है, और इरेशनल नंबर हमारे पास P/Q की फॉर्म में नहीं आ सकता. इसके अलावा भी नंबर्स की और भी बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे इन्फिनिट नंबर्स, फाइनिट नंबर्स और हमारे पास प्राइम नंबर्स और भी बहुत से. इसलिए अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. अगर आपको मैथ में कोई भी मसला हो, 1 to 12 लास्ट तक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके सवाल ज़रूर सॉल्व करके दूँगी आपको. थैंक यू.